अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी योर ऑर्डिनरी गर्ल। सो जी, आज का व्लॉग जो है हम बनाने जा रहे हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट से रिलेटेड, और आज का व्लॉग बहुत ही आपको कुछ देखने को मिलने जा रहा है। और मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो सोचा आपके साथ ही एक लिटिल बिट व्लॉग शेयर कर दूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट की। काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो जी, सबसे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, जो जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको फुल शॉपिंग अपनी दिखाऊंगी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना यार, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ जो है मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो यहाँ पर हमें लेने थे कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी ईजली। और जो कहते हैं ना, एक छत के ऊपर हमें सब चीज़ें मिल जाएं, तो उनके लिए इम्तियाज़ सुपरमार्केट बेस्ट 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 है। हम तो भाई यहीं से ही हमेशा ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, अगर किचन का कुछ आइटम्स वगैरह लेने हो तो वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है हर चीज़ अवेलेबल है, डोरमेट्स भी इवन आपको मिल जाएंगे, पर्दे और गुलदान वगैरह जैसे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, डेकोरेशन के आइटम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इतने अच्छे स्पून से थे ये वाले, थे पहले जो है ना मैंने ये वाले स्पून्स लिए थे गोल्डन वाले, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैंने घर पर यूज़ किए हैं, तो इनका जो क्रॉकरी है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जी, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और यहाँ पर देखें वुड की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना मैंने दराज पर भी देखी हुई हैं, लोकल मार्केट्स में जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैंने चेकआउट किए हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर जो है यही मिलती हैं, लेकिन इनकी प्राइस जो है ना काफ़ी रीज़नेबल है। हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो है किसी किसी चीज़ की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने व्लॉग बनाया है इस वजह से बनाया है कि मैं आपके साथ इनकी जो वीडियो है वो शेयर करूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनकी चीज़ें कैसी होती हैं। आएँगे आपको जूते, कपड़े, हर चीज़ मिल जाएगी, आप यहाँ से ना इजी होकर, रिलैक्स होकर शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, आपको घर जाकर मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी, और जो है ना यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने लिटिल बिट वीडियो बनाई है आपकी वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ, अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप क्रॉकरी भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लेनी हो। और जहाँ से ना मैंने ली थी ग्लास की प्लेट्स, मिरर वाली जो होती हैं, वो इतनी कोई अच्छी थी, ये मुझे चाहिए भी थी। अच्छा, ये मैंने दराज पर देखा था, तो दराज पर मुझे ये ईच 6 का सेट मिल रहा था, और यही जो है मैंने प्लेट्स जो दराज पर देखी थी तो मुझे ये मिल रही थी 1600 या 1700 की इनकी प्राइस थी दराज पर। और यहाँ से जो है मैंने यही जो प्लेट्स हैं मुझे ये बहुत अच्छी थी, मिरर जो है ना इनका ग्लास बहुत मोटा था और काफ़ी अच्छा था, तो मुझे ये सर्च में थी कि मुझे लेनी है लेनी है, तो इम्तियाज़ पर मुझे पसंद आ गई तो मैंने ये ले ली। अच्छा, ये जो है ना मैंने ली हुई हैं 1300 में ली, हाँ 1300 में यहाँ से मैंने ली, और ये मुझे 1600 में मिल रही थी दराज पर, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में मिली, तो मैंने यहाँ पर ले ली। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिया है सर्विंग ट्रे, और इनकी जो है 3 इनकी जो है वो थी साइज़ थी, मैंने मीडियम साइज़ ली है, और ये सर्विंग ट्रे आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और राउंड है, ये बहुत क्यूट सा प्यारा सा लगता है, तो ये चीज़ें मैंने क्रॉकरी में ली हुई हैं। और अब आते हैं हम ग्रॉसरी शॉपिंग जो मैंने की है वो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, मेरे चैनल पर ना काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं टीनेजर गर्ल्स की, मेकअप से रिलेटेड, ग्रॉसरी से रिलेटेड, और काफ़ी सारी चीज़ों के जो है मैंने रिव्यू दिए हुए हैं, आप वो भी मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और आजकल जो है मेरी डाइट चल रही है और काफ़ी सारा मुझे जो है ना मेरा वेट लूज़ हुआ है, तो डाइट प्लान भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो ना डाइट से रिलेटेड है, सॉरी मेरा गला ख़राब हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने जो चीज़ें ली हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। तो जी, ये वाला जो है ना कुल्फ़ा का पैकेट, ये इतना कोई यमी होता है, ये मैं हमेशा ग्रोसरी शॉपिंग में लेती ही लेती हूँ, तो ये मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये नेचुरल की जेली, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है, रेड कलर की ही हम पसंद करते हैं, ज़्यादातर खाते हैं हम लोग, तो ये ली। और उसके बाद जो है नेचुरल बिरयानी मसाला लिया, सॉल्ट लिए,
ये जो सॉल्ट है ना बहुत अच्छा है, इसमें जो है ना काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, ब्लू में भी आता है लेकिन हम जो है ना हमेशा ग्रीन ही लेते हैं, तो ये चीज़ें ली हुई हैं मैंने। और जो है धनिया पाउडर लिया। अच्छा इम्तियाज़ पर ना कभी कभी आपके कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर ज़्यादातर ऑफ लगता ही लगता है, तो जब भी आपको अगर कॉस्मेटिक की रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें चाहिए हों तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं। और मैंने जो है आज कॉस्मेटिक की भी चीज़ें ली हुई हैं, मैं आपको वो आगे जाकर इसी ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने कॉस्मेटिक में क्या क्या चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो हमेशा जो है ना हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग इम्तियाज़ सुपर मार्केट से ही करते हैं, या चाहे मुझे कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी हों तो वो भी जो है मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट से ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है मेरे लिए हैं सौंफ, जो कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक में पीती हूँ, वो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर भी किया है अपना डाइट का। तो यहाँ पर ये चीज़ें ली हैं। और ये है मेरे पास जीरा वाइट कलर में, इसमें जो है ना ब्लैक कलर में, सॉरी ये है गरम मसाला। अच्छा एक ब्लैक जीरा आता है और एक वाइट जीरा, जीरा कहते हैं जो भी, तो वो है ना दो तरह के आते हैं। और जो है ना मैंने एक बार ना ब्लैक ले लिया था, वो इतना कोई अजीब था, मुझे ब्लैक जो ज़ीरा होता है ना उसकी फ़्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद, इतनी मुश्किलों से ख़त्म किया है उसको। तो आज जो है ना मैंने देखकर जो है ना जीरा जो है ना मैंने वाइट कलर में लिया था, तो जो वाइट जीरा होता है ना वो बहुत अच्छा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और जो ब्लैक होता है ना वो थोड़ा कड़वा कड़वा होता है। अच्छा उसके बाद जो है ना मैंने ये लजीज़ा शीर खुरमा लिया है और कुल्फे का पैकेट लिया। अच्छा हमारे घर में ना स्वीट डिशेज़ जो है ना इतनी बनती नहीं है, कम कम भी बनती हैं, तो हम लोग जो है ना जब हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती हो तो हम सब कुछ एक साथ चीज़ें लेकर रख देते हैं कि भाई बंदा कभी कोई मेहमान आ जाए या कोई चीज़ हो जाए ऐसी, तो बंदा बस घर पर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो बंदा जो है ना वो उसको ईज़िली बना सके। अच्छा ये जो है ना चिकन पाउडर, ये बहुत अच्छा है, मैं जो भी चिकन की चीज़ बनाती हूँ, शामी कबाब हो गए या फिर कोई भी चीज़ें हो गई ना, तो मैं उसमें चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ। ये कन्होर का है, इसका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा है। आप भी जब चिकन कढ़ाई हो गई, चिकन का सालन हो गया, कुछ भी हो, तो हम लोग जो है ना इसमें ये चीज़ डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत मज़ीद मतलब बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ली हैं मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पर है इमली, ये भी इमली काफ़ी अच्छी होती है, इनकी इनका जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट का सामान होता है ना ये बहुत कोई फ्रेश और अच्छा सा होता है, और इतना मतलब उन पर ऑफ भी काफ़ी लगता है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिया है अपना फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट। अभी तो मेरी डाइटिंग चल रही है पर मैं जब चॉकलेट देखती हूँ तो भाई मुझे रहा नहीं जाता, तो कभी कभी चीटिंग कभी कभार हो ही जाती है। अच्छा फिर उसके बाद जो है हमने हल्दी ली है, और भी काफ़ी सारे जो सामान हैं मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो ये सब कुछ लिया है। आप कभी गए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट? अच्छा इनकी जो ब्रांच है ना जौहर में भी है, तो आप जौहर भी जा सकते हैं, वो वाली इनकी मेन ब्रांच है। और ये जो है ना इम्तियाज़ सुपर मार्केट, इसकी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं कराची में, और इनकी जो है ना हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है इनकी चीज़ें। अच्छा इनका जो सीन ये है कि ये लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने देते, मुझे समझ नहीं आती कि भाई यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो सब लोग बनाते हैं, तो इजी होकर बना कर देते, बंदा किसी की मतलब हेल्प हो जाएगी कि क्या चीज़ें मिल रही हैं क्या नहीं, बंदा बस क्या ही करे, क्या कह सकते हैं, अब बनाने नहीं देते। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊं। यार प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने बम्बई बिरयानी के दो पैकेट लिए थे बाय मिस्टेक, बिकॉज एक पड़ा भी हुआ था तो मैंने सोचा था कि एक ही लूँगी बट मैं भूल गई, और जो है ना मैंने दो पैकेट्स ले लिए, खैर काम आ जाएंगे, काम की चीज़ है। तो बस ये है। अच्छा ये है जीरा, ये मैंने वाइट कलर में लिया है और ब्लैक मैंने लिया था, मैंने आपको बताया इतनी कोई हालत हो गई, हमारे घर में किसी को पसंद नहीं, बिल्कुल मतलब खाने का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट लग रहा था, इस वजह से जो है ना गरम मसाला मैं साबित भी लेती हूँ और गरम मसाला मैं पाउडर भी लेती हूँ कि मतलब दोनों काम आ जाते हैं। बिरयानी वगैरह जैसे हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो है ना खड़े गरम मसाले के साबित जैसे डालते हैं तो उसमें से ना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगती है बिरयानी, और गरम मसाला हो गया ये भी पाउडर है
तो ये भी काम आ जाता है। उसके बाद जो है दाल मूंग ली हुई है मैंने, ये भी जो है काफ़ी अच्छी, इनका जो सामान होता है ना वो इतना कोई नीट एंड क्लीन और इतना कोई एंजॉय, बंदा एंजॉय भी करता है और ग्रोसरी शॉपिंग भी करता है यहाँ पर ना, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखें शुगर जो है हमने ली हुई है 1 kg, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो चुकी है शॉपर खाली, और उसके बाद जो है थर्ड शॉपर हमारे पास, उसमें है ये सब चीज़ें। ये मैंने जो है चीज़ें सेटिंग भी करके रखनी होती हैं और आपके साथ भी शेयर करना था। व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, ये था वो सर्विंग वाला ट्रे, तो मैंने ये आपको दिखाना था। ये बहुत अच्छा है, इसकी जो प्लास्टिक है ना बहुत पक्की है और बहुत अच्छा है, हार्ड है, इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है, तो ये टूटेगा भी नहीं। और प्राइस भी इसकी काफ़ी रीजनेबल थी, 200 आई थिंक इसकी प्राइस थी, तो सही प्राइस में था, छोटा भी नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल था। उसके बाद जो है मैंने जूसेस लिए हैं, जो है इनके जो फ्लेवर्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। ऑरेंज वाला फ्लेवर लिया था एक, और उसके बाद जो है सेकेंड फ्लेवर जो हमने लिया है इस जूस में वो है रेड ग्रेप्स। ये भी, ये तो हमारा बहुत बहुत फेवरेट है, ये बहुत अच्छा लगता है हम सबको, तो जो है हम लोग ये जूस जो है पीते ही पीते हैं। और इसके अलावा ये ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरे आ जाते हैं छोटे वाले, जैसे होते हैं ना सिंगल सिंगल वो वाले। तो भाई यहाँ पर जो है यही मेरी चीज़ें ली हुई हैं। अच्छा, मैंने सोचा था ना कि कोरमा बनाना है मुझे, तो मैंने उसकी वजह से ना मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी कोरमा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी कोरमा, मैंने कभी बनाया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जो है ना वो ब्राउन ड्राई जो होती है ना, ब्राउन फ्राइड अनियंस, मैंने सोचा था कि वो ले लेती हूँ। बट मैंने वीडियो जो है बाद में अपलोड की है, ये मैंने बनाया था ना कोरमा, तो यार वो इतना कोई, ये कोई इतने ड्राई होते हैं, जब हम हमेशा जो है ना फ्राइड अनियन खुद करते हैं। फर्स्ट टाइम ये मिले ना 1 kg का, हाफ़ केजी का, सॉरी ये पाउच है, हाफ़ केजी का मिला था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। बट ये जो ड्राइड अनियन बाहर से आपको रेडीमेड मिलते हैं ना, इसमें ऑयल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बंदा बस बोले ही क्या इतना। जब मैं खुद बना, जब हम लोग खुद बनाते हैं ना ऐसी कोई चीज़ जिसमें ड्राई अनियन डालते हों, तो उसमें ना इतना ऑयल नहीं जाता, जिसमें इतना, इसमें ना बहुत काया था, तो ये इशू हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने लेनी थी अपने वॉशरूम के लिए चीज़ें, ये हैंड वॉशेस मैंने लिए, एक स्ट्रॉबेरी में लिया है, और जो है एक मैंने लिया हुआ है रसबेरी जिसे होती है ना वो वाला, इनकी खुशबू इतनी फ्रेगरेंस अच्छी होती है, इतनी मज़ेदार होती है, तो जी हमने ये वाले लिए हैं। अच्छा, ट्रस्मी का मैंने रेड वाला यूज़ किया था, तो मुझे ना काफ़ी सारा मतलब अच्छा लगा था। फिर मैंने एक दो बॉटल्स उसकी यूज़ की तो मुझे नहीं लगा। फिर अभी जो है मैं अभी ने मैंने सोचा कि अभी ये ट्राई करके देखती हूँ ब्लैक एंड ग्रीन, तो मैंने ये ट्रस्मी का लिया है। अब ये चेक करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो आपके साथ इनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये मैंने पर्पल सनसिल्क लिया, और उसके बाद जो है ये डिटोल सोप है, ये भी जो है वॉशरूम के लिए ही चीज़ें हैं, डिटोल सोप्स हैं ये मैंने लिए हुए हैं। उसके बाद लिया है कोलगेट पेस्ट, तो ऐसे हैं। अच्छा, आप मुझे पता है कि आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए मैसेज आने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको मालूम हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये वाली खजूरें हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, इतनी कोई सॉफ्ट एंड प्यारी सी होती हैं, इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, तो ये खजूरें ली। अच्छा, ये किचन टॉवल्स लिए हैं मैंने, किचन टॉवल्स जो है ना भाई जितने हों किचन की चीज़ें उतनी कम होती हैं, आपको पता भी होगा, तो ये वाले किचन टॉवल मैंने अभी रिसेंटली जो है ना चेज़ब से लिए थे, वो भाई कितने कोई ख़राब हो गए, तो उसके बाद जो है ना यूज़ में चीज़ें आ जाती हैं तो बस ख़राब हो जाती हैं ना, इस वजह से मैंने इम्तियाज़ सुपर मार्केट से 6 pieces का ये पैक था, इसमें 6 towels थे छोटे छोटे, जैसे आप शेल्फ साफ़ कर रहे हैं तो बर्तन वगैरह के लिए, जैसे शेल्फ ख़राब हो जाता है ना, तो उसके लिए ये मैंने टॉवल्स लिए। उसके बाद जो है मैंने ये वाला ब्रश लिया था एक्वा का अपने आई शेडो के लिए। अच्छा, आई शेडो मैंने दराज से एक ऑर्डर की है, वो मैंने आपको जो है दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी की है, तो उसके लिए जो है ना मैंने ब्रश लिया है ये।
अच्छा ये जो है ना एक ब्रश था, इसमें दो हैं, मतलब दो साइड्स हैं। उसके बाद ये मैंने बोल्ड जो है फ्रेग्रेंस ली है, और ये मैंने पॉन्ड्स का क्लीजिंग मिल्क लोशन लिया है। ये काफ़ी अच्छा होता है और इतना इतना आपकी स्किन को सॉफ्ट कर लेता है। आपके हाथ पैरों पर आप लगा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं तो मेकअप लगा हुआ है तो आपको मिसकेलर वाटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल आप इससे पॉन्ड्स क्लीजिंग लोशन से जो है ना आप अपना क्लीजिंग कर सकते हैं ईजली, कोई इशू नहीं है। मिसकेलर वाटर लेने की कोई नीड भी नहीं होती इसलिए, तो मैं इससे ही जो है हमेशा मेकअप रिमूव करती हूँ। उसके बाद जो है मैंने दो टिशू के रोल लिए हैं, और टिशू जो है काम आते हैं काफ़ी सारे, इस वजह से दो पैकेट्स ले लिए हैं कि भाई घर पर चीज़ें पड़ी रही तो मतलब अच्छा है। उसके बाद जो है सारी मैंने आपके वो अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग दिखा दी है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं और क्या क्या लिया है, मैंने आपके साथ शेयर किया। इम्तियाज़ सुपर मार्केट जब भी जाएँ तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और आपको हर चीज़ आसानी से मिल सकती है वहाँ पर। तो जी यहाँ पर जो है मेरी ओवरऑल शॉपिंग हो चुकी है डन, और अब मैं इसको सब कुछ चीज़ों को सेटिंग करके रखूँगी। तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।